सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J8 Plus 2018 के बारे में। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था सैमसंग गैलेक्सी J8 Plus के बारे में, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले जो कि लगभग सिमिलर ही कमेंट थे कि इस डिवाइस को कब लॉन्च किया जाएगा, इस फ़ोन की प्राइस क्या होगी इंडिया में, और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब ये फ़ोन का जो फोटो लीक होकर सामने आया था, उससे पहले इसको गीक बेंच में लिस्टेड किया गया था और उसमें दिखाया जा रहा था कि ये फ़ोन आपको 4 GB रैम वेरियंट के साथ आएगा और इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट देखने को मिले। और साथ में जब फोटो निकल के सामने आ रही तो दिखाया जा रहा है कि इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो इस डिवाइस को एंड्रॉयड ओडियो के साथ लॉन्च किया जाएगा और इसमें आपको 4 GB में भी 32 GB या फिर 64 GB दो वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और साथ में इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट देखने को मिले, जो कि गीक पेज में जब ये फ़ोन को लिस्टेड किया गया था तब हमें पता चल गया था। लेकिन इसमें आपको डुअल कैमरा का ही सेटअप दिखाया जा रहा है बैक में, और पता नहीं कितने मेगापिक्सल का कैमरा है क्योंकि कोई कन्फर्मेशन डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि इस डिवाइस की प्राइस क्या होगी। तो देखिए, सैमसंग का फ़ोन है और उसमें ऊपर से आपको इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो अब इतना अंदाज़ा लगा के चलिए कि इस फ़ोन की प्राइस लगभग आपको 25,000 के आसपास हो सकती है। जी हाँ, 25,000 के आसपास, पकड़ लीजिए 20,000 से तो ऊपर ही होने वाली, क्योंकि 20,000 में आपको सैमसंग का J7 Pro मिलता है। तो अगर ये फ़ोन लॉन्च करता है J8 Plus, तो फिर सैमसंग का J7 Pro कौन लेगा। लगभग इस फ़ोन की प्राइस 22,000 या फिर 23,000, मतलब 25,000 के अंदर हो सकती है, 20 से ऊपर ही होने वाली है। और बहुत सारे ये कमेंट कर रहे हैं कि इस डिवाइस को कब लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सैमसंग फ़ोन लॉन्च करता है तो ज़्यादातर फ़ोन सैमसंग जून के मंथ में, मतलब समर में लॉन्च करता है। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक इस फ़ोन को लॉन्च नहीं करता है, और उससे पहले अगर कोई डिटेल भी निकल के सामने आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अगर कोई फ़ोन लेने का सोच रहे थे तो ये वीडियो देखने के बाद शायद उनका मन चेंज हो जाए, या फिर वो कहे कि हम 2 महीने बाद ही फ़ोन लेने वाले हैं। तो देखिए, ये फ़ोन का जो चिपसेट है वो भले ही 2 साल पुराना है, लेकिन सैमसंग की फ़ैन फॉलोइंग आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये फ़ोन बजट सेगमेंट में ऑफलाइन में आता है, ऑफलाइन में तो आप लोगों को आएगा ही, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।